हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वैग रीबिल्ड। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो है की चेन, और आप एज अ ब्रॉच भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपने हैंड बैग्स में, और आप एज अ की चेन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन दिखेगा उसे प्रेस ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के, अपने फैमिली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो के लिए हमें चाहिए 7 to 8 कलर्स की कोड, वेस्ट कोड। आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप एक सिंगल कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें 2, 3, 4 जितने भी आप चाहें आप उतने इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें टोटल 8 कलर्स यूज़ किए हैं, लाइटर, सेफ्टी पिन, हेड पिन एंड सीजर। इन पीसीस को मैंने रैंडमली कट किया हुआ है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, आप देख सकते हैं। ये हमारे जो पीसीस हैं ये 40 to 50 सेंटीमीटर्स में कट किए हुए हैं, मैंने देख सकते हैं आप। अब हमने यहाँ पे इस कोड को लेना है, एक एक्स्ट्रा कोड लेनी है हमने किसी भी कलर की, और इसे ऐसे हाफ इस साइड आना चाहिए, और यहाँ से हमने इसे पाइपिंग करना स्टार्ट करना है सभी कोड्स के ऊपर। ये कोड को हमने इस और ही लेके आना है। देख सकते हैं आप, इसे टाइट जरूर करें। ये देखिए मैंने पाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इस कोड को हमने पाइपिंग करते जाना है इसके ऊपर। जितना भी हमें इसका ऊपर का होल चाहिए हमने उतना इसे रेडी करना है। मैं इसे 3 से 4 इंचेस तक रेडी करूँगी। ये देखिए ये ऐसे हमारा बनता जाएगा। हमने यहाँ तक इसे कवर करना है, ये 3 से 4 इंचेस तक हमने इसे ऐसे ही पाइपिंग करना है बीच में। ये देखिए ये मैंने 25 to 30 जो है टाइम्स मैंने इसे पाइपिंग किया है, और ये मैंने आपको ऐसे भी बताया है कि ये 3 से 4 इंचेस तक हम रेडी कर लेंगे। ये जो हमने नोट छोड़ी सॉरी कोड छोड़ी थी वो वाली कोड आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसके ऊपर फिर से पाइपिंग करना है और इसे पूरा कवर कर देना है, और इसे ऐसे एक बार खींचना है कि हमारी पिछली वाली जो कोड है वो पूरी कवर हो जाए। ये देखिए जितना भी हमें साइज़ चाहिए था हमने उतना रेडी कर लिया है, देख सकते हैं आप। ये कुछ ऐसे हमारा बन जाएगा। अब हमने इसके ऊपर इन कोड्स के ऊपर इसे ऐसे ही रोल करना है। ये भी आपने टाइट रोल करना है, ये ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं आप, और यहाँ पे हमने लाइटर की हेल्प से इसे अटैच कर देना है। ये देखिए ये हमारा कुछ ऐसे रेडी हो जाएगा। ये एक बार हमने सारी कोड्स को ऐसे खींच लेना है नीचे की ओर कि हमारा जो ऊपर हुक है वो अच्छे से नीटली निकल के आए। ये देखिए आप इसे किसी भी बैग के साथ अटैच कर सकते हैं,
आप चाहें तो आप इसे एज अ क्लीनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमने कोई भी कोड ले लेनी है और ऐसे इसे फोल्ड करते हुए नीचे की ओर से ऊपर की ओर लेके जाना है और इस कोड को हमने अंदर लेके आना है। ये जो हमने सर्कल बनाया है इसमें ऐसे ही इस साइड से भी हमने, जैसे हम लेडीज़ फ्रेंच नोट बनाती हैं वैसे ही ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए ये हमने नीचे की ओर से लेके आते हुए कोड को ऊपर की ओर लेके आना है, फिर से नीचे की ओर से लेके आते हुए ऊपर की कोड लेके ऊपर की ओर लेके आना है। दोनों साइड हमने सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए ये आप चाहें तो आप 4 टाइम बना सकते हैं, 5 टाइम भी बना सकते हैं, मैंने ये 3 टाइम ही बनाया है। बनाते वक्त आपकी कोड जो है वो नीचे की ओर आनी चाहिए और इस कोड को हमने ऐसे ऊपर की ओर प्रेस खींचना है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बन के आए। ये देखिए ये जो हमारी कोड है इस कोड को हमने लाइटर की हेल्प से बंद कर देना है। ये देखिए ये कितना सुंदर डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। ऐसे ही मैं आपको एक और बताती हूँ, इस कोड को हमने ऐसे पीछे की ओर लेके जाना है, देख सकते हैं आप, और इसे पीछे की ओर से नीचे की ओर से लेके जाते हुए ऊपर की ओर से अंदर की ओर लेके आना है। ऐसे ही इस साइड भी अंदर की ओर लेके आना है, फिर से इस साइड नीचे की ओर से आते हुए ऊपर की ओर अंदर की ओर लेके आना है। ये देखिए ये कुछ हमारी फ्रेंच हेयर स्टाइल की जैसे बनती जा रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए इसे हमने अच्छे से टाइटली पकड़ते हुए ऊपर की ओर खींचना है इस वाली कोड को जिसके ऊपर हम बना रहे हैं, और फिर से लाइटर की हेल्प से हमें इसे बंद कर देना है। ये देखिए ये हमारे किसी भी बैग के ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा और साथ ही साथ में ये हमारे की चेन में भी अच्छे से बन के आएगा। ऐसे ही हमने ये सभी डिज़ाइन रेडी कर लेने हैं। आप चाहें तो आप इसमें 5 कोड्स यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें 10 कोड्स यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आपको चाहिए। आप चाहें तो आप ये डिज़ाइन एज अ बेल भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी मिरर में, झूमर में, और अपने जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें हमारी बेल यूज़ होती हैं उसकी जगह हम ये भी बना के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फिर से इस थ्रेड को टाइटली पकड़ते हुए हमने ऊपर की ओर खींचना है और इसे लाइटर की हेल्प से यहीं पे बंद कर देना है। देख सकते हैं आप, ये हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप इसे कीचेन और एज अ ब्रॉच और ब्रॉज भी यूज कर सकते हैं अपने हैंडबैग में। आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं, किसी भी लेंथ में बना सकते हैं,
और मैं जल्द ही आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं एज अ बेल इसे इसी डिज़ाइन को यूज़ करूँगी। मैं उस डिज़ाइन में कोई भी बेल यूज़ नहीं करूँगी, उसकी बजाय मैं यही डिज़ाइन यूज़ करूँगी।